हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वी डॉट पैशन हॉबी। आज हम बात करेंगे निकॉन के D5300 कैमरे के बारे में। इसके हम आज फिजिकल बटन के बारे में जानेंगे और इसके मेन्यूज़ के बारे में जानेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा कैमरा है, काफ़ी अच्छा कैमरा है, ये पावरफुल कैमरा माना जाता है ये। चलिए पहले इसका कैप निकाल देते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। ओके, ये हमारा पावर ऑन ऑफ बटन है, इसको ऑन कर दिया। ठीक है, ये हमारी स्क्रीन ऑन हो चुकी है। लेंस को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। ओके, ये हमारा ऑन ऑफ बटन है। ये शटर बटन है, इसको आप हल्का सा अगर दबाएंगे तो ये फोकस करता है, ऑटो फोकस पे अगर आपका लेंस लगा हुआ है तो, और अगर उसको प्रेस करेंगे तो आपका शटर बटन है इसलिए फ़ोटो खिंच जाएगा। ये आपका रिकॉर्डर बटन है, ये इन्फो बटन है बेसिक, कि जैसे स्क्रीन अगर हमारी यहाँ पे है इसको आप दबाएंगे तो ये ऑफ और ऑन हो जाएगा। अगर ये आपका लाइव मोड में है स्क्रीन तो आप इसको इन्फो का बटन दबाएंगे तो ये रिकॉर्डर फंक्शन देख सकते हैं आप, रिकॉर्डर फंक्शन पे आ जाएगा। दोबारा दबाएंगे तो ब्लैंक हो जाएगा, फिर दबाएंगे तो ग्रिड मोड पे आ जाएगा, फिर दबाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा ये। ओके, ये लीवर हमारा है नॉर्मल स्टैंडर्ड स्क्रीन और लाइव स्क्रीन पे जाने के लिए। ओके, और ये हमारा एक्सपोजर कंपनसेशन बटन है, इसे आप फ़ोटो खींचने से पहले एक्सपोजर को बढ़ा और घटा सकते हैं। ये हमारा डायल है, इससे आप मोड कोई भी चुन सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ज़्यादा डिटेल के लिए आप इसका मेन्यू वो बुकलेट देख सकते हैं, यूज़र मैनुअल। ओके, ये हमारा आई बटन दिया हुआ है जिससे हम इसके इंटरफेस में, वन सेकेंड, ओके, इसके आप इंटरफेस में जा सकते हैं। ये देखिए, जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे दोबारा दबाएंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। ये बेसिक बटन है हमारा, जैसे कि हमारा ये प्ले बटन है, हम ये फ़ोटो ले लेते हैं। इसको आप लॉक कर सकते हैं, देखिए आप की यहाँ पे बन के आ गई है। इससे क्या है, आपका एक्सीडेंटल फ़ोटो डिलीट नहीं होगा। ये आपका प्ले बटन हो ही गया, फ़ोटो देखना है दोबारा करेंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। एक बार दबा के अगर आप जूम का बटन दबाते हैं तो आप इसमें जूम कर पाएंगे, और जूम आउट अगर करेंगे और नॉर्मल आने के बाद अगर फिर से आप जूम आउट करते हैं तो इस तरीके से आप व्यू में जा सकते हैं, कैलेंडर व्यू वगैरह वगैरह। ये बेसिक डिलीट बटन है, इसे आप कोई भी पर्टिकुलर फ़ोटो को डिलीट कर सकते हैं, एक साथ कई सारे वीडियोस को भी आप डिलीट कर सकते हैं। ये आपके इधर मेन्यूज बटन होगा, ये रोटेटिंग बटन हो गया, यहाँ पे आपका मेमोरी कार्ड लगता है, ये आपका बैटरी हाउसिंग है। इसके लेफ्ट साइड में आते हैं तो ये आपका बटन फ्लैश कंपनसेशन बटन दिया हुआ है, इससे आप फ्लैश को कंट्रोल कर सकते हैं, लेना है नहीं लेना है या और भी उसके फंक्शन दिए हुए हैं। ये आपका बटन है फंक्शन बटन, इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं किसी भी ऑप्शन के साथ। ये आपका बस्ट मोड है और ये रिमोट में भी काम आता है। लेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ें मिलती हैं आपको, ए और एम। ए मतलब ऑटोमेटिक, एम मतलब मैनुअल। इसमें आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब आप मैनुअल करते हैं तभी आपका ये रिंग जो है ये आपका मूव करेगा, ऑटो में ये जब आप शटर बटन को थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। यहाँ पे वीआर मोड दिया हुआ है, बस जनरल चीज़ें तो यही हैं इसमें फिजिकल बटन में। अब चलिए देख लेते हैं इसके मेन्यू, मेन्यू बटन को प्रेस करेंगे। इसमें 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, प्लेबैक मेन्यू, शूटिंग मेन्यू,
कस्टम सेटिंग मेन्यू, सेटअप मेन्यू, रिटच मेन्यू और रिसेंट सेटिंग्स। प्लेबैक मेन्यू में आप जनरली फ़ोटो डिलीट करना है, प्लेबैक फ़ोटो डिलीट करना है, प्लेबैक फोल्डर जो आप पर्टिकुलर फ़ोटो प्ले करना चाहते हो, प्लेबैक डिस्प्ले ऑप्शन, इमेज प्रीव्यू ऑन रखना है कि नहीं रखना है, रोटेटिंग स्लाइड शो आपका सेटिंग्स इसमें दिया हुआ है, इमेज टाइप कितना इंटरवल का आप रखना चाहते हो। ये प्रिंट ऑर्डर है, ऑनलाइन प्रिंट ऑर्डर के लिए। रेटिंग्स, फ़ोटो को आप रेटिंग कितना देना चाहते हो जो आपने फ़ोटो अभी तक खींचे हुए हैं, और ये आपका किसी पर्टिकुलर डिवाइस पे सेंड करने के लिए ऑप्शन। ये दूसरा आपका आता है शूटिंग मेन्यू, इसमें रिसेट कर सकते हो आप जितने भी सेटिंग आपने सेव कर रखी हैं। स्टोरेज फोल्डर कहाँ पे आप फ़ोटो सेव करना चाहते हो, इमेज क्वालिटी आपको कैसी चाहिए ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक रॉ फॉर्मेट में चाहिए जिसको आप बाद में रिटच कर सकते हो, या फिर जनरल जेपीजी फॉर्मेट चाहिए नॉर्मल फ़ोटो आप सेव करने के लिए। क्वालिटी इसमें अलग अलग दी हैं, आप चेक कर लेना। ये आपका इमेज साइज़ है, लार्ज मीडियम स्मॉल, जैसा कि तब नाम से ही लग रहा है, लार्ज जितना है क्वालिटी उतनी अच्छी रहेगी, आपका मेमोरी भी उतना लेगा, स्मॉल में क्वालिटी उतनी ही कम रहेगी और आपका स्पेस भी कम लेगा। ये रॉ रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हो गया, वाइट बैलेंस इसमें अवेलेबल नहीं है, सेट पिक्चर कंट्रोल भी अवेलेबल नहीं है, मैनेज पिक्चर कंट्रोल हो गया। ओके, थर्ड आता है आपका कस्टम सेटिंग्स मेन्यू, इसमें आप ऑटो ऑटो फोकस है, एक्सपोजर है, टाइम, शूटिंग, डिस्प्ले, ब्रैकेट लगाना चाहते हो नहीं लगाना चाहते हो, कंट्रोल्स वगैरह वगैरह इसमें है आपके। फिर आते हैं सेटअप मेन्यू में, इसमें आपको कार्ड अगर फॉर्मेट करना है तो इस ऑप्शन पर जा सकते हैं, मॉनिटर का ब्राइटनेस कितना होना चाहिए, इन्फो डिस्प्ले फॉर्मेट, आपको ये सीन इसमें कुछ प्रोवाइड कराते हैं कि किस तरह का आपको डिस्प्ले चाहिए इंटरफेस का, मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ऑटो इन्फो डिस्प्ले, जैसे आप फ़ोटो खींचेंगे इन्फॉर्मेशन उसका स्क्रीन पर आ जाएगा, ये सर्विस के लिए है, आप खुद भी इसका लेंस वगैरह साफ़ कर सकते हो। ये फ़ोटो खींचने से पहले आपका डस्ट साफ करेगा, उसके बाद आपका फ़ोटो लेगा। फ्लिकर रिडक्शन, अगर आपका हाथ शेक करता है तो उसके लिए है। ये फिर आता है आपका फ़ोटो खींचने के बाद के ऑप्शंस, कि आपने फ़ोटो तो खींच लिया, अब आपको उसमें कुछ चेंजमेंट करना है, थोड़ा बहुत एडिटिंग करनी है, वो सब चीज़ें हैं। डी लाइटनिंग आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, रेड आई रिडक्शन कर सकते हो, फ़ोटो को ट्रिम कर सकते हो, मोनोक्रोम कर सकते हो, इसमें फ़िल्टर इफ़ेक्ट दिए हुए हैं आपके, वार्म फिल्टर, रेड क्या है, इंटेंसीफाई और ग्रीन इंटेंसीफायर, ब्लू इंटेंसीफायर, क्रॉस स्क्रीन, सॉफ्ट, etc. कलर बैलेंस कर सकते हो, इमेज ओवरले कर सकते हो, नेप रॉ प्रोसेसिंग कर सकते हैं आप, कि आपका जैसे इसमें आपने रॉ फॉर्मेट में फ़ोटो खींचा है उसको आपको तुरंतली इंस्टेंटली JPG फॉर्मेट में चाहिए तो आप इसी कैमरे से ही इसको कन्वर्ट कर सकते हो। आपने जो भी लास्ट में सेटिंग्स की हैं रिसेंटली वो सेटिंग्स अब आप यहाँ पे देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों, ये था हमारा इसका छोटा सा रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू।